हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे ओट्स के लड्डू। थोड़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो चलिए फटाफट आज ओट्स लड्डू की रेसिपी देख लेते हैं। एक कटोरी ओट्स, मूंगफली एक कटोरी भुना हुआ, एक कटोरी गुड़, यहाँ पर एक कटोरी पिसा हुआ नारियल, 2 चम्मच घी, बस इतना सा सामान में आज हम बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, घर में जो चीज़ होती है उसको लेकर ही बनाएंगे। यहाँ पर मीडियम आंच पर जो ओट्स को हम भून कर निकाल लेंगे। हल्के हल्के भुनने के बाद थोड़ी सी खुशबू भी आ जाती है, इसी वजह से आपको पता चलेगा। यहाँ पर हमारी ओट्स भुन चुका है। ओट्स भुनने के बाद हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में छोड़ देते हैं उसको। ठंडा होने के बाद हम उसको पीस कर पाउडर बनाएंगे। तो अब नारियल को भून कर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं नारियल थोड़ी सी घिस रहा था, तो सारे नारियल छिलके से निकल चुका था, इसी वजह से इस तरह को मैंने थोड़ी देर भून लेती हूँ। उसके बाद नारियल को भी ग्राइंडिंग कर लेंगे। नारियल को ग्राइंडिंग करने के बाद थोड़ा सा पाउडर जैसे बन जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं पड़ती है, बाज़ार से लाने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे नारियल भुनने के बाद नारियल को ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं उसको भी मिस ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तिल भूनकर रेडी निकाल लूँगी। तिल को भूनने के टाइम थोड़ी सी गैस को स्लो कर लीजिए। यहाँ पर हमारी तिल भी भूनकर रेडी हो चुका है, तिल को निकाल लेते हैं। तिल भूनने के बाद सारी चीज़ को ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ पर देखिए ओट्स को मैंने पीस कर ले आती हूँ, यानी उसको पाउडर बनाएंगे। तो हमारी यहाँ पर ओट्स की पाउडर बन चुका है। नारियल को भी हम ग्राइंडिंग करेंगे, वो जो थोड़ा सा बचा था ना उसको भी हम पीस कर ले आते हैं। भुना हुआ मूंगफली की भी दरदरा पीस कर लाएंगे। यहाँ पर मूंगफली भुन चुका है, अब यहाँ पर नारियल को भी पीस लेते हैं। नारियल को पीसने के बाद जैसे बाजार से लाए हुए पाउडर की तरह बन जाती है। देखिए यहाँ पर हमारी नारियल अच्छी तरह पीस कर रेडी हो चुका है। सारी चीज़ को पीसने के बाद एक पैन गरम करके हम गुड़ को डाल देंगे। यहाँ पर 2 चम्मच पानी डालकर गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। गुड़ अच्छी तरह मीडियम आंच पर गुड़ को मेल्ट कीजिए। गुड़ को मेल्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर धीरे धीरे गुड़ हमारी मेल्ट हो चुका है। थोड़ी सी एक तार वाली चाशनी हमको यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी बॉयल भी आ चुका है। देखिए यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर मैं उसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर एक बॉल टाइप हो जाए तो हमारी गुड़ बिल्कुल रेडी हो जाती है। यहाँ पर और थोड़ी देर मुझे लगेगा। देखिए ठंडा होने के बाद इस तरह की बॉल बन जाती है। तो हमारी गुड़ यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गैस को सिम कर लीजिए। सारी चीज़ को हम गुड़ में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हेल्दी रेसिपी। आप लोग विंटर भी आ चुका है, हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही है, इसी वजह से आप लोग सब बना लीजिए। बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, घर में एक एक बना कर भी खा सकते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम जो आपके पास है सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। मेरे पास जो चीज़ था मैं उसको डालकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी कुटी इलायची पाउडर डाल देंगे और लास्ट में डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। तो हमारी ओट्स के लड्डू के लिए यहाँ पर डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए गैस को मैं बिल्कुल धीमा करके बना रही हूँ। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। हल्की हल्की गर्म था के टाइम हम उसको लड्डू बनाएंगे। ज़्यादा ठंडा करने करने से हमारी लड्डू अच्छी तरह नहीं बन पाएगा, इसी वजह से देखिए ये लड्डू का शेप आराम से ले चुका है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ को ठंडा होने के बाद मैं लड्डू बनाऊँगी। हाथ में थोड़ी सी घी लगा लीजिए। घी लगाने के बाद हम इस तरह एक एक थोड़ा थोड़ा लेकर एक लड्डू का शेप उसमें दे देंगे। यहाँ पर देखिए हमारी लड्डू अच्छी तरह बन रहा है। तो आज की थोड़ा छोटा सा रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और एक लाइक के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।